realized and understood from his thought that of a single word giving the information. And so far in our science paper writing, we have not yet come up. I think I have to read your novel and come up with something, okay, which I will be able to do to the society. The third thing which I have realized, okay, like the sign language. And the simple sign language from the childhood, even the 3 years old kids can understand something like this, okay, not more than that. But he has given us a message that, okay, like one has to really just say yes or something like that, okay, which gives the importance. I think these are the things, okay, which are the take home message which I have understood as a listener to the, this particular message. On behalf of Savitribai Phule University, I congratulate Professor Prabhakar and team, okay, for arranging this beautiful session, okay, which not only gives an idea to the new thinker, but okay, it motivates them and give them an idea, okay, how to write something which will give something to the society. With briefs, once again, I'm thankful to Padma Bhushan, Dr. Bhairappa ji for giving us an opportunity to listen to him. Thank you very much. धन्यवाद सर. काल कॉन्व्होकेशन होतं खरं म्हणजे 4 वाजेपर्यंत ती धावपळ, नंतर ते बाहेरच्या गावी गेले आणि रात्री उशिरापर्यंत प्रवास करून येऊन परत आपल्यात बसले. मी आपला आभारी आहे. खरं म्हणजे विद्यापीठामध्ये जे वाईस चान्सलर भेटले होते, ही इज ऑल्सो फिजिक्स प्रोफेसर आणि आमचे वाईस चान्सलर प्रोफेसरच आहे. असं कोणी मला असं वाटतं की सत्राकडे जातोय. मी अध्यक्ष प्रोफेसर यांना अशी विनंती करतो की त्यांनी सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय के भाषा एवं साहित्य प्रशाला की ओर से आयोजित आज का यह अंतर भारतीय संवाद. इस संवाद के लिए अध्यक्ष के रूप में हमारे बीच उपस्थित विश्वविद्यालय के आदरणीय कुलपति प्रोफेसर गोस्वामी सर, विशेष रूप से इस संवाद के लिए उपस्थित विश्वविद्यालय के समकुलपति आदरणीय प्रोफेसर पराग कालकर सर, विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलसचिव प्रोफेसर डॉक्टर विजय खरे सर, आज ये जो अंतर भारतीय संवाद संपन्न हुआ, इसके लिए विशेष प्रयास करने वाले विश्वविद्यालय के व्यवस्थापन परिषद के सदस्य आदरणीय रविंद्र शिंगनापुरकर जी के प्रति भाषा प्रशाला विशेष आभार व्यक्त करता है, जिनके साथ हमने संवाद बनाया. वे कन्नड़ और मराठी के विचारक, लेखक, चिंतक, आलोचक आदरणीय पद्म भूषण भैरप्पा जी, जिन्होंने विगत 1.5 घंटे से अपने जीवन के लगभग 70 साल का चिंतन, जो जीवन और साहित्य से संबंधित है, उसके विचार हमारे सामने रखे. मुख्य रूप से उनके साहित्य में मनुष्य और समाज की जो मंगल भावना रही है, उसे उन्होंने हमारे सामने मुक्त रूप से रखा. निश्चित रूप से उनके द्वारा अभिव्यक्त उनके सारे विचार, उनका चिंतन हम सभी के लिए भविष्य में मौलिकता उन साबित होगा, ऐसा मैं कहूँगा. अतः उनके प्रति सावित्री भाई फुले पुणे विश्वविद्यालय और भाषा एवं साहित्य प्रशाला हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त करता है. भाषा प्रशाला के संचालक समाधिष्ठाता प्रोफेसर प्रभाकर देसाई जी, उनके साथ यहाँ पर हमारे साथ उपस्थित श्रीमती सहना विजय कुमार जी, आपके प्रति भी विश्वविद्यालय विशेष आभार प्रकट करता है. भैरप्पा जी के साहित्य का एक व्यापक रूप में अनुवाद करने वाली उमा कुलकर्णी जी यहाँ पर उपस्थित हैं. डॉक्टर उमा रामराव जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं. विश्वविद्यालय आपके प्रति भी हार्दिक हार्दिक
आभार व्यक्त करता है। इस संवाद के लिए सभागार को उपस्थित के सम्माननीय व्यवस्थापन परिषद के सदस्य, अधिसभा सदस्य, विभिन्न विषयों के अध्ययन मंडल के अध्यक्ष, सदस्य, विभाग प्रमुख, प्रशासनिक अधिकारी, पीएचडी शोधार्थी, विद्यार्थी तथा अन्य विभागों से यहाँ पर पधारे सभी विभागीय अध्यक्ष, आपके प्रति भी मैं भाषा एवं साहित्य के माध्यम से आभार व्यक्त करता हूँ। विशेष रूप से इस समारोह को सफल बनाने के लिए सभी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर देवकर सर, प्रोफेसर त्रिपाठी सर, प्रोफेसर आचार्य मैम, प्रोफेसर रोंगटे सर, मैं आपके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ। भैरप्पा जी के वक्तव्य से एक संदेश जरूर हमें मिलता है कि उनका समग्र साहित्य जब हम अवलोकित करते हैं माध्यम से दक्षिण और उत्तर को जोड़ने का प्रयास किया है, इतिहास और वर्तमान को जोड़ने का प्रयास किया है, और मुझे लगता है कि इसी प्रकार से आने वाले समय में भाषा प्रशालक की ओर से इस तरह के संवादों का आयोजन होना बहुत आवश्यक है। भारत जैसे देश में जहाँ विभिन्न धर्म और संप्रदाय के लोग रहते हैं, कई भाषाएँ बोली जाती हैं, ऐसे समय में भैरप्पा जी हमारे सामने आकर एक प्रकार का संवाद सेतु बनते हैं, विचारों का संवाद हमारे सामने रखते हैं। अतः मैं पुनः एक बार उनके प्रति विश्वविद्यालय हम सभी के ओर से मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूं, और माननीय अध्यक्ष महोदय की ओर से आज का यह अंतर्वार्तीय संवाद संपन्न हुआ ऐसा मैं घोषित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।